हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हेलो जी सर। सर मैं बैंक ऑफ कानपुर से बोल रहा हूँ। हाँ सर बताएं। सर एक्चुअली आपके कार्ड में सर कुछ इश्यू हो रहे हैं जिसको लेकर के आपको कॉल की गई है सर। जी सर, कार्ड में इश्यू हो रहा है हमारे। सर जी सर, मैं बैंक ऑफ कानपुर से बोल रहा हूँ। सर आपके कार्ड में एक्चुअली कुछ इश्यू हो रहा है जिसकी वजह से आप फ्यूचर में कभी भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे अपने एटीएम कार्ड से। सर अच्छा सर, तो बैंक हमें जाना पड़ेगा? नहीं सर, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं सर। अपना 3-5 मिनट अगर आप हमें दे देंगे तो यहाँ पर ही सर आपका कार्ड फिर से रिन्यू कर लिया जाएगा सर। जी सर बताएं सर, क्या करना पड़ेगा सर? घर पे दे दिए हम सर। फाइनली इसके लिए आपको अपने कार्ड को लेना होगा सर। उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी यहाँ पर। अगर आप दे देते हैं सही सही तो आपका कार्ड फिर से रिन्यू कर दिया जाएगा सर। जी सर बताएं सर। सबसे पहले तो आप अपना एटीएम कार्ड हाथ में ले लें सर। एक सेकंड, 2 मिनट दीजिएगा सर। जी जी सर बताएं। ले लिया सर। उसमें देखिए कार्ड के फ्रंट पर सर एक कोड 16 अंकों का एक नंबर दिया होगा सर, आप मुझे वो बता दें कार्ड नंबर। जी सर लिख लीजिए सर। जी सर बताएं। 8 9 3 5 4 2 9 7 3 8 5 5। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर। सर इसके नीचे देखिए सर, उसमें एक एक्सपायरी डेट दी होगी कार्ड की, तो सर आप मुझे वो बता दें प्लीज। आप सर एक्सपायरी डेट सर ये 12/17। जी सर 12/17। ओके सर, थैंक यू सर। सर कार्ड जी सर। सर कार्ड के पीछे देखिए एक 3 डिजिट का सीवीवी कोड नंबर होता है सर, आप मुझे वो बता दें। कार्ड के पीछे कहाँ पर सर? जो पीछे किधर से? सर जहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपने कोड बताया मुझे उसके जस्ट पीछे। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, दिख गया दिख गया सर। जी सर बताइए सर। 3 4 5। जी सर, थैंक यू सर। सर इसको अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आपकी कर दीजिए और आपका कार्ड फिर से चालू कर दिया, तो इसके लिए सर आपके बैंक से आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा सर, ओटीपी जिसे। सर मैसेज आ गया है, मैसेज आया अभी भी। जी सर बताएं सर। तो मैसेज में सर एक कोड दिया होगा, वो कोड मुझे बता दें आप सर। एक सेकंड सर, होल्ड कीजिएगा सर, आप हम मैसेज देख के बता रहे हैं आपको। बिल्कुल सर बताएं सर। हेलो। जी जी सर बताएं। जी सर 7269। 7269। जी सर। ओके सर। सर अब हमारा कार्ड हो गया ठीक। जी सर थैंक यू सर, हो गया। भैया जी एक और मैसेज आया है इसमें। हेलो हेलो भैया, हेलो 50,000 रुपए कट गया यार हमारा। हेलो हेलो भाई, हेलो हेलो भाई, हेलो हेलो भैया, हेलो हेलो भैया, ए भैया हेलो आवाज नहीं आ रही भैया आपकी। हेलो ए भैया, हमने बहुत मुश्किल से पैसे जमा करा भैया। ए भैया हमारे साथ कोई गलत काम ना करो भैया। भैया हमने अपने पापा के इलाज के लिए भैया 200 रुपए पैसे लेके भैया करवाए थे। हेलो ए भैया, ए भैया हम बर्बाद हो जाएंगे भैया। ए भैया ए भैया ऐसा ना करो भैया। सो गाइस, हम सभी एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जिस कंट्री में इंटरनेट डेटा इतना यूज होता है जितना शायद पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं होता। लेकिन दोस्तों फिर भी हम में से बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसके साथ शेयर करना है या फिर नहीं, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत से केस होते आए हैं, हो रहे हैं और शायद फ्यूचर में भी होते रहेंगे। इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो है जानकारी जानकारी और जानकारी। दोस्तों मैं एक चीज मेक श्योर करना चाहता हूं आप सभी को कि कोई भी बैंक आपसे फोन पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं मांगता। अब चाहे दोस्तों बैंक हो या फिर कोई भी ऑफिस किसी भी तरह का, कभी वो आपको कॉल करके ये नहीं पूछेगा कि भाई अपना आप आधार कार्ड नंबर बताइए या फिर अपने बैंक की डिटेल दीजिए। और दोस्तों अगर हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी 1% आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर बैंक से कॉल आ रही है, अगर वो बंदा बोलता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूं और मुझे आप अपने बैंक की इंफॉर्मेशन दीजिए, तो अगर वो अपने बप्पा की भी कसम खाता है तो भी आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है उस बंदे पर कि वो सच बोल रहा है। अगर आपको डाउट है तो आप नॉर्मली जाइए अपने बैंक पर, वहां पर बोलिए कि भाई मुझे इस नंबर से कॉल आई है और मुझसे वो इस तरह की इंफॉर्मेशन मांग रहा है। अगर हकीकत होगा तो वहां पर आप सारी चीजें खुल करके सामने आ जाएंगी। सो गाइस, इस तरह की कॉल को लेकर के आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? अभी मुझे 3 दिन पहले भी इस तरह की एक कॉल आई थी जिसको अटेंड करने के बाद मुझे लगा कि भाई इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहे इस तरह की कॉल को लेकर के? अगर इस तरह की कॉल आपके पास आई है तो आपका क्या रिएक्शन रहा है? आपने क्या उनको रिएक्शन दिया, किस तरह का आपने रिप्लाई दिया, कमेंट करके दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा।
और दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये एक शेयर आपका, आपके दोस्त, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स को आने वाले टाइम पर इस तरह के फ्रॉड से आपको बचा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूं आपको कल एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।